डॉक्टर धनंजय दुबे गई थी, डॉक्टर लंबोदर लंबोदर ढांसा जो जिनके साथ का उपस्थिति और सहायक सक्रिय भागीदारी भी है, उनका मैं दिल से स्वागत करता हूं। मैं उन सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं जिनका योगदान इस विश्वविद्यालय को एक छोटे से पौधे से लेकर वट वृक्ष बनाने तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा है एवं उसे सींचने का काम किया है। अध्यक्ष छात्र कल्याण डॉक्टर सुमन यादव की भागीदारी और उनकी उपस्थिति से भी हम अभिभूत हैं, आत्मविभोर हैं, तथा उनके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं एवं इनका स्वागत करता हूं। विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष के प्रति, महाविद्यालय के सभी प्रधानाचार्यों के प्रति मैं स्वागत के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनका जो सहयोग और सहभागिता रहा है कार्यक्रम को सफल बनाने में वह स्वागत योग्य है। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी गण, शिक्षक कर्मचारी गण और सभी हिस्सेदारी भागीदारी देने वाले सभी व्यक्ति के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनका दिल से स्वागत करता हूँ, आदर सत्कार व्यक्त करते हुए मैं स्वागत उनका भी स्वागत करता हूँ। सभी मीडिया कर्मी के सभी उपस्थित हमारे पत्रकारगण, संगोष्ठी राष्ट्रीय पहचान दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही है, उनका भी मैं दिल से स्वागत करता हूँ। इस विश्वविद्यालय स्थापना काल से संघर्ष करते हुए उपलब्धियों और उत्कर्ष के मार्ग पर अग्रसर है, इसमें उनका काफी योगदान है, मैं उनके प्रति भी उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। इस युग में आज विश्वविद्यालय के समान शिक्षा के साथ तकनीकी व्यवसायिक आवंत्रित प्रशिक्षण की पढ़ाई, जन संचार माध्यमों में ई लर्निंग और वाईफाई वीडियो आदि का जो उपयोग हो रहा है, उनके प्रति हमारे छात्र सजग हैं और उस सभी छात्रों के प्रति मैं उनका दिल से स्वागत करता हूं जो 25 वर्ष शुरू किए थे और आज तक हमारे विश्वविद्यालय में एकदम एक अनुशासित छात्र के रूप में रहकर अपना योगदान जो है विश्वविद्यालय को बढ़ाने में कर रहे हैं, मैं उनका भी दिल से स्वागत करता हूं। हमारे माननीय कुलपति और कुलपति के मार्गदर्शन एवं कार्य संस्कृति में जो परिवर्तन हुआ है, जिसका फल आज देखने को मिलता है, मैं उसके नाते मैं अपने कुलपति और प्रति कुलपति के प्रति मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और इसके लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अंत में मैं विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं की सक्रियता और सहभागिता से यह संगोष्ठी अंजाम तक पहुंचने को है, मैं उनका उनके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि उनके उज्जवल भविष्य की सराह मंगल कामना करता हूँ। मैं आयोजन समिति के प्रति आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों उप समितियों के सदस्यों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, जातीय मंडल विश्वविद्यालय, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर नरेश कुमार। अभी आपसे मुखातिब से प्रोफेसर नरेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड ही इज आल्सो कन्वीनर ऑफ द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। टॉपिक ऑफ टुडे सेमिनार इज सिनेरियो ऑफ हायर एजुकेशन एंड चैलेंजेस, उच्च शिक्षा के बदलते परिदृश्य एवं चुनौतियाँ, आला तालीम के रुझान और दरपेश मसाइल। इस पर, इस मौजू पर, इस टॉपिक पर बोलने के लिए आज कीनोट एड्रेस के लिए हमारे दरमियान मौजूद है एंड इज नन अदर देन आवर ओन प्रोवाइस चांसलर डॉक्टर फारूक अली। ही विल बी प्रेजेंटिंग इज कीनोट एड्रेस और आज का विषय है उच्च शिक्षा के बदलते परिदृश्य एवं चैलेंजेस एवं चुनौतियां। मैं दरख्वास्त करता हूं और एक साल तक यह लगातार चलेगा, फरवरी 20 तक यह चलेगा।
मैं सभी माननीय अतिथियों, मंचस्थ और जो इस प्रसार में उपस्थित हैं, छात्र छात्राओं, मीडिया के बंधुगण, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समारोह में पहला आज का जो सेमिनार का विषय है, शिक्षा के बदलते परिवेश और चुनौतियां क्या हैं। जब से हम लोगों को आज़ादी मिली है और आज तक शिक्षा के नीति में, नीति निर्धारण में कितने परिवर्तन हुए हैं, क्या वह परिवर्तन आज के हमारे समाज के लिए, विद्यार्थियों के लिए उचित है कि इसमें और कुछ बदलाव की ज़रूरत है, इस पर आज चर्चा होगी। काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप देख रहे हैं, सभी की भागीदारी होगी। और उद्घाटनकर्ता के रूप में मैं इस सेमिनार का उद्घाटन करता हूँ, आगाज करता हूँ और आप सबको अतिथि से मंचस्थ अतिथियों से दरख्वास्त है कि उच्च शिक्षा के बदलते परिदृश्य। दो साल विलंब से ही सही रजत जयंती समारोह के अवसर पर उपस्थित, जैसा कि उद्घोषक महोदय बोल रहे थे, महबूब कुलपति महबूब बड़ा प्यारा होता, हरदी लजी जो सब दिल को प्यारा हो, मैं उन्हीं के अल्फाज को दोहरा रहा हूँ, उन्हीं के शब्दों को दोहरा रहा हूँ जो आज के संचालक महोदय अदर साहब बोल रहे थे। माननीय कुलपति महोदय, हमारे बुजुर्ग रवि बाबू जो प्रथम कुलपति रहे हैं इस विश्वविद्यालय के, गौरव की बात है। हमारे के डॉक्टर के मंडल साहब जी जो हमारे यहाँ पी एम पी यू में प्रतिकुलपति भी थे, साथ ही हमारे बीच भूपेंद्र बाबू के ही हम नाम भूपेंद्र डॉक्टर भूपेंद्र मल्लिकपुरी जी, डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर, और इस प्रसाद में मौजूद हमारे अन्य डीन साहब, वरिष्ठ एवं युवा सिंडिकेट के सदस्य, नई सीनेटर, विभाग अध्यक्ष, शिक्षक, छात्र नेता एवं छात्राओं तथा हमारे मीडिया के बंधु, मुझे बेहद खुशी है कि जब 17 में मैं आया था, संभवतः जून या जुलाई में सिंडिकेट की बैठक हुई 2017, मैंने पूछा कि विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ है, मालूम हुआ कि मेरा अध्ययन बोले कितने साल हुए, तो उसमें तकरीबन 25 पूर्ण हुआ, बोले क्यों नहीं सिल्वर जुबली का प्रयास हुआ, तो तत्क्षण सिंडिकेट ने बड़ी उदारतापूर्वक 10 लाख रुपया भी सेंक्शन कर दिया, बोले आप ही अध्यक्ष बन जाइए उसके आयोजन समिति के, और इसका लेकिन मुझे बेहद अफसोस है, दुख भी है कि तकरीबन 22 महीने लगे 17 से लेकर के आज तक में इन कार्य को आगे बढ़ाने के, देर आए दुरुस्त आए। अभी हाल ही में नरेश बाबू को हम लोगों ने संयोजक बनाया और उन्होंने ये आज ये पहला कार्यक्रम आज शुरू किया सिल्वर जुबली का, जो एक परिचर्चा पर आधारित है, संवाद पर आधारित है, सेमिनार के स्वरूप में है, जिसमें हम सभी शिक्षा के स्टेक होल्डर हैं, जो सभी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तमाम इसमें शामिल हैं। समिति के सभी साथियों का अभिवादन करता हूँ।
कार्यक्रम का डायमेंशन थोड़ा छोटा है, कार्यक्रम है और साल भर का कार्यक्रम। मैं अभी डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर साहब से पूछ रहा था कि आपका विभाग कब बना, उन्होंने कहा कि सभी नौ डिपार्टमेंट जो है वो 98 में बना। तो मैं जोर रहा था कि 25 साल का पूरेगा, तो 25 साल पूरा है 23। मैं जो कहना चाह रहा था कि मुझे याद है कि 2004 में डॉक्टर के मंडल साहब PVC पे मैं सिल्वर जुबली डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस का आयोजन किया था। उसमें तो ही साहब तत्कालीन मरहूम कुलपति थे और उस कार्यक्रम में आए थे। बहुत उत्कृष्ट कार्यक्रम होगा, हम समझते हैं कि डॉक्टर साहब को याद होगा उस कार्यक्रम। बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुआ था, दिन भर का कार्यक्रम था, बहुत अच्छा भोज भी हुआ था। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कई विभागों में जहाँ से मैं जुड़ा वहाँ के विभिन्न आयोजनों में शामिल हुआ। हमारे माननीय कुलपति जी जब भागलपुर विश्वविद्यालय में प्रत्येक कुलपति थे तो डायमंड जुबली सेलिब्रेशन मेरे बायोलॉजी डिपार्टमेंट का हुआ और मैं उस आयोजन समिति का कन्वेनर हूँ। दुबे जी भाई सांसद थे तो बायोलॉजी डिपार्टमेंट पूरे बिहार उड़ीसा और बंगाल में पहला डिपार्टमेंट था जो TNP कॉलेज में 1939 में खोला गया था और BHE के बाद पहली पढ़ाई भी हो रही। और उस कार्यक्रम के दौरान जब मैंने कहा कि BHE के एक प्रोफेसर को 10 रुपया ज्यादा तनखा देकर TNP कॉलेज में बुलाया गया तो फिर एक प्रॉब्लम शुरू हो गया भाई चांसलर बनाम कॉलेज। मैं जो बताना चाह रहा था कि एक TNP कॉलेज जो एक जिले का कॉलेज था वह सक्षम था 1939 में कि BHU में जो एक शिक्षक अपनी तनख्वाह पा रहा था उससे 10 रुपया ज्यादा भुगतान करने की हैसियत रखता था। क्या वो हैसियत हम नहीं रख सकते हैं? हम वो हैसियत हम TV कॉलेज में नहीं रख सकते हैं? वो हैसियत हम BN मंडल यूनिवर्सिटी में नहीं रख सकते हैं? The best among the lot from all over the country, even from abroad, can be invited to serve this public. क्या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, इच्छा शक्ति चाहिए। जब TNP कॉलेज का 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी 139 साल का, आप अंदाजा लगाइए मैं उसमें भी भाग लिया। तो ये कालखंड है जिस कालखंड में आज मैं यहाँ भी एक गवाह के रूप में इस कार्यक्रम में भागीदार हो रहा हूँ। मुझे फख्र है, मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आई फील माई सेल्फ ग्लोरिफाइड टू बी एसोसिएटेड विद सच एन इवेंट। इससे बढ़कर क्या बात। मैं आज के तमाम अतिथियों का अभिवादन करते हुए कि हमारा देश तो विश्वगुरु था, फिर हम पीछे कहाँ गए? आज दुनिया के हजारों विश्वविद्यालयों में फर्स्ट 100 में हमारा कोई नहीं आ पाता। अरे क्यों नहीं आ पाता? कुछ तो वजह होगी। आप मंथन करने की जरूरत है जिस सिनारियों की बात कर रहे हैं, चेंजिंग सिनारियो। कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ओनली थिंग कॉन्स्टेंट इन नेचर इज चेंज। हेराक्लिटस ने 320 वर्ष ईसा के पूर्व भी ये बातें कही है जो जेनेटिक्स में पढ़ाई होती है। लाइन सिंगल टन की जेनेटिक्स की किताब है, उसमें ये पहला लाइन से ही किताब शुरू होती है कि ओनली थिंग कॉन्स्टेंट इन नेचर इज चेंज। प्रकृति में अगर कोई चीज शाश्वत है, कोई चीज अक्षरशः सही है तो वह परिवर्तन है। और उस परिवर्तन का कितना हम सदुपयोग करते हैं, उस परिवर्तन का हम कितना दुरुपयोग करते हैं, उस परिवर्तन को हम कैसे ग्राह्य करते हैं, इस पर वो डिपेंड करता है। समस्याएं जो चेंजिंग सिनारियो है वो गंभीर है। इतना फास्ट चेंज कर रहा है कि उसे पेश नहीं रख पाता। एक तरफ MBA की पढ़ाई प्रीमियम भागलपुर यूनिवर्सिटी में होती है, महज 2 लाख रुपए में लड़के MBA पास करते और MBA पास करके किराना करते हैं। एक वही IIM है, इसी देश में है, इसी व्यवस्था के तहत है, 25-30 लाख रुपए खर्च होते हैं MBA का।
ये क्या दर्शाता है, किस चेंजिंग सिनारियो की हम बात करना चाहते हैं। एक तरफ 30 लाख, दूसरे तरफ 2 लाख। जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये खाई खोल कर रहा है एंड वी आर नॉट बीन एबल टू ब्रिज द गैप। हम नहीं कारगर हो पा रहे हैं या तो प्रयास नहीं कर रहे हैं। जितने विश्वविद्यालय आजादी के समय में थे उससे तकरीबन कई सौ गुना ज्यादा विश्वविद्यालय हो गए, 700 को पार कर रहे हैं विश्वविद्यालय। आप यूजीसी के साइट में अगर आप उसको गौर करेंगे तो लगभग उसके 50% विश्वविद्यालय जो है अब स्टेट के अंदर। सिर्फ चीन को अगर छोड़ दें तो कोई भी देश हमारे एक चौथाई के बराबर भी नहीं।